असलकम स्टूडेंट आज हम सीखते हैं वज़ू का तरीका वज़ू का तरीक़ा बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है चूँकि हम लोग इनके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते और फिर ये गलत सीख जाते हैं तो चलें बच्चों आज हम सीखते हैं वज़ू करने का तरीका क्या है हमारे पास वज़ू का तरीक़ा ज़ाइल है सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जरिए अल्लाह का नाम लें इसके बाद दोनों हाथों को तीन बार कलाइयों तक धोएं। ख्याल रहे कि उंगलियों के दरमियान वाला हर हिस्सा पानी से गीला हो जाए तो इसी तरह से बच्चों आपने अपने हाथों को पानी से गीला करना है और अपने हाथों को धोना है अपनी कलाइयों को तीन तीन दफ़ा पानी से धोना है दाएं हाथ से पानी मुंह के अंदर ले जाएं और तीन बार कुली करें तो आपने अपने दाएं हाथ से पानी को मुंह के अंदर लेके जाना है और तीन बार कुली करनी है अच्छे से दांत साफ़ करके मुंह के अंदर पानी डालें तीन दफ़ा और कुली करें दाएं हाथ से पानी नाक के अंदर हल्का सा ले जाएं और फिर बाएं हाथ से तीन बार नाक साफ़ करें दाएं हाथ से आपने पानी नाक के अंदर लेके जाना है और उसको तीन बार नाक को आपने साफ करना है बाएं हाथ से दाएं हाथ से आपने नाक के अंदर पानी डालना है और बाएं हाथ से आपने अपने नाक को साफ़ करना है चेहरे को एक कान से दूसरे कान और माथे से ठोडी तक तीन बार धोएं। अपने चेहरों चेहरे को आपने एक कान से दूसरे कान तक और माथे से लेकर ठोडी तक मतलब कि आपने अपना पूरा फेस जो है उसको तीन बार पानी से धोना है अच्छा सा धो के उसके बाद आपने क्या करना है दाएं बाजू को तीन बार कलाई से लेकर कुहनी तक धोएं और बाज़ू बाएं बाज़ू के साथ भी यही अमल दोहराएं आपने अपने पहले दाएं बाज़ू को धोना है और उसके बाद अपने बाएं बाज़ू को धोना है आपने दाएं और बाएं बाज़ू को भी तीन तीन बार पानी से धोना है और इसी तरह से ही आपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख के उंगलियों के दरमियान वाली जगह को भी गीला करना है और धोना है हाथों को पानी से तर करके पिशानी से सर के पीछे की तरफ ले जाएं और फिर वापस पिशानी की तरफ लाएं। आपने अपने हाथों को पानी से तर करना है गीला करना है और यूँ आपने सर को पीछे तक लेके जाना है घुमाते हुए और यहाँ आपने इनको फिर वापस लेके आना है ठीक है यहाँ कानों तक तर उंगलियों के साथ शहादत की दोनों उंगलियों को वक्त दोनों मुतलका कानों में नरमी से सेकमाएँ जबकि अंगूठे बाहर की तरफ कानों को छू रहे हों तो आपने इसमें भी ऐसे ही करना है कि अपनी उंगलियों को तर करना है और अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए अपने कानों तक लेके जाना है जो कि आपके कानों को मतलब अंदर से हाथों के साथ अंगूठे बाहर की तरफ रख के आपने घुमाना है आपने सबसे एंड में अपने अपने पाओ धोने हैं दाएं पाओ से आगाज करके दोनों पाओ को टखनों तक धोएं और यकीन कर लें कि पाँव के तमाम हिस्से खसूस उंगलियों की दरमिया जगह पानी से तर हो गई है पहले आपने अपने दाएँ पाओं को धोना है और जो उंगलियाँ होती हैं उनके अंदर भी पानी डाल के तीन तीन दफ़ा इनको धोना है आपने फिर इसी तरह से ही आपने बाएँ अपने पहले दाएँ को धोया फिर आपने अपने बाएँ पाओ को धोना है और उसी तरह से ही तीन बार धोना है पाँव की उंगलियों के दरमिया हिस्सा को भी घीला करके धोना है उसके बाद आपने क्या करना है वज़ू की दुआ जब ये अमल ख़त्म हो जाए तो कलमा शहादत की तलावत करें अशहादु अल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं जी बच्चों आज की हमारी वीडियो थी वज़ू के तरीके के बारे में तो वज़ू का तरीका आपने इसी तरह से सीखना है एक मैं वीडियो बनाऊंगी आपको नमाज का तरीका भी सिखाऊंगी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बच्चों अल्लाह हाफ़िज़